साल के का बीज जागृत हो गया था, 5 साल के ने उस परमात्मा को पा लिया था, 5 साल में के कर लिया, उसके पछला प्रारब्ध जमा था, पछला भजन जमा था, इतनी एक असर रह रही थी, 5 साल का होया जब लग गया। और भजन की ताकत बताती है कि खुद जिसको देव ऋषि नारद गुरु मिला हो, सबके बस की, सबके भाग में पूरा गुरु ना मिलता है, पूरा गुरु मिले भी कुछ ना है, पूरा गुरु मिले बिना भी। मौसी ने लात मार दी और विष्णु जी का वैराग जाग गया, हर हर विष्णु, हर हर विष्णु, कि मेरे को तो विष्णु भगवान की गोद में बैठना है। इसी फिर हमें धरूघर से निकल चलता, 5 साल की उम्र है, नादान बच्चा है, राजमहल में पड़ा, कोई दुख तकलीफ का ज्ञान नहीं है, एक वैराग हो गया कि मेरे को विष्णु भगवान की गोद में बैठना है, मेरे को मेरे बाप की गोद से उस मौसी ने लात मार के उतार दिया, और मन ने उसकी माँ ने बता दिया कि सबका परमात्मा, सबका पालन करने वाला वो विष्णु भगवान है, ने बोला बस उसे की गोदी में बैठूंगा और किसी की गोदी में भी नहीं बैठूंगा। वैराग हो गया रुके और घर छोड़ के चल पड़ा, भागता रहा भागता रहा भागता रहा, वहां देवलोक में जकर चल गया, विष्णु भगवान के आगे भी जकर चल गया कि 5 साल का बच्चा और आपका वैराग जाग गया, दर्शनों के लिए घर से भाग लिया, सब चल त्यागे हुए और भाज रहा है। विष्णु जी ने नारद जी को कहा कि उस बच्चे का मार्गदर्शन करो, या तो उसको घर भेजो, अरे घर नहीं भेजो तो पूरा गुरु एक उसको मिलेगा, सही उसको मार्ग मिलेगा तो अपने स्थान तक भी पहुंचेगा। भागता रहा, अरण्य को है जंगल में भाज रहा था कि बस एक न्यूज सुन रखी थी कि विष्णु भगवान अक्षीर सागर में रहते हैं, बमन अक्षीर सागर में जाना, अक्षीर सागर में जाना मन विष्णु तो मिलना, और भाजते भाजते की ठोकर लगी, प्यास में व्याकुल कंठ सूखा हुआ और ठोकर लगी, वो 5 साल का बच्चा धरू गिर पड़ता, बेहोशी की मुद्रा छाने लगती है और वहीं देव ऋषि नारद प्रकट होते हैं। देव ऋषि नारद प्रकट हुए, हाथ में जल का लोटा ले रहा और धरू पड़ा, वहां का नजारा सागर में वास हरि का जाना पार मने तेरे में।
मैं गोदी खेलू ईश्वर के। अरे कर्म फांस में बंधा पुतला भोग भोग कर्म करके आप दरुना सल प्यावन न भले देवर सी लोटा भर के सीर सागर में वास हरि का दाना पार मन तर के सीर सागर में वास हरि दाना पार मन दोनों भाइयों का 200 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बाबा जी गुरुमूर्ति पटकनाथ जी गुरु जी 100 रुपए से आशीर्वाद दोनों को करते हैं बार बार धन्यवाद। ये हमारे साथी कलाकार हैं उस्ताद जी हैं शरण सिंह जी संडवा से बहुत बढ़िया गाने का शौक रखते हैं 100 रुपए से मान सम्मान उसका भी आई करते हैं बार बार धन्यवाद धन्यवाद। ये हमारे उस्ताद हैं मोनू भाई बहुत बढ़िया गाने का भी सारा परिवार संगीत प्रेमी है 100 रुपए से मान सम्मान सजाई करते हैं बार बार धन्यवाद धन्यवाद। उस छोटे बच्चे को समझाओ बेटा पर है तो लकी पर वो भगवान भी पांच तत्वों के चोले ही सातम दे चोले के बगैर वो भगवान भी नहीं मिलेगा। तू पानी पी और पानी पियेगा जब तेरे प्राण बचेंगे जब वो बात बनेगी। अरे सुन हाँ जी ऋषि जी। अरे तू तो घर से निकल आया तेरी खातर तेरे माँ बाप की जो हालत है वे बहुत तंग हैं तुम घर चले जा और माड़े बैठा बताऊं हूं क्या तेरे माँ बाप तेरी तलाशी में हैं वो बहुत दुखी हैं और मैं तो नाड़े दिखा भी सकूं उनकी हालत ऐसे सुनो जल का लोटा ठा गए और वो धरू के महान कर दिया नहीं बोला इसके अंदर देख कुछ दिखाई देता है। हाँ देता दिखाई क्या दिखाई देता है मेरी बात सुनिए सुनाइए सागर में वास हरि का जाना पार मने ला 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 ला।
साथी कलाकार हैं कुलदीप भाई, बहुत बढ़िया गाते भी हैं, 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद धन्यवाद। नाग की सैया पे कर सागर में विश्राम प्रभु, विष्णु जी की गोदी के मां मैं बैठ करूं आराम प्रभु। फिर नारद जी समझावन लगे यो ना साधारण काम प्रभु, नारद जी समझावन लागे ना साधारण काम। अरे कोई भी मुश्किल काम नहीं से, कोई भी मुश्किल काम नहीं से, ओ कोई भी मुश्किल काम नहीं जब अरदे गांठ लगे नर के। सुन जीते जी उड़े जाया जाना कोई परला पहुंचे से मर के। गुरु धारण कर लिया फिर अपनाश भी बन गई, फिर धरू बोलिया के जहां विष्णु जी वास करे मने दिखलाओ वो धाम प्रभु। नारद जी ने कहा क्या शेष नाग की सैया पर करें सागर में विश्राम प्रभु, निवला विष्णु जी की गोद के मां बैठ करूं आराम प्रभु। फिर नारद जी समझावन लागे यो ना साधारण काम प्रभु, निवला जी कोई मुश्किल काम नहीं जब हृदय गांठ लगे नर के। निवला जीते जी उड़ा सा आ जाना और कोई बिरला पहुंचे से मर के। अरे जीते जी इस भौतिक शरीर से वहां तक नहीं जा जाएगा बेटा, धरू तेरी उम्र नादान है, उड़ा तो मरे पाछे भी किसी का कर्म भोग सारा कट गया हो, कर्म जमाना हो, कोई बिरला बिरला को कर्म करके उड़े पहुंचे से उड़े जाया नहीं जा जीते जी। जी क्या वहां मर के ही जा सकते हैं? वहां मर के ही, मर के भी कोई बिरला जा सके से न्यू नहीं जा रहा। मेरी बात सुनिए, सुनाइए हिम्मत शर्मा जी गांव बुरे 11 मन के हूं 4 किले की तूड़ी। देखिए भाई यो तो शायद चमोला बोलन का फिर बोलेंगे, चल वो छे कर्म ते दर्ज हो लिया हमट नहीं मिटा चाहे। जगन्नाथ ब्राह्मण पावे मैं चरणा में लेता चाहूं, इस मतलब की दुनियादारी में है दिल भी कुछ दिखा चाहूं, मतलब की दुनियादारी छोड़ देना ताला बिड़ जागा करके। आप करू ना प्यावन में करे देवर सी लोटा भर के, अक सिर सा
विक्रमवा सरिता